देखिए, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि आज वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब, हमारे जावेद कुरैशी, अमित भुईगढ़, हमारे बगले मामा जिला अध्यक्ष योगेश भाई, सचिन, सभी पदाधिकारी आज वंचित में मैंने प्रवेश किया और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी और ये बोला है कि ये सीट अपनी जीती हुई थी, सीट जीतना है अपने को। मैं अल्लाह के फजल करम से साहब को भी ये शब्द दिया हूँ, पूरे दलित समाज हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, ओबीसी समाज हमारे साथ है, क्रिश्चियन समाज हमारे साथ है, मैंने साहब को ऐसा बताया और अल्लाह के फजल करम से जीत 100 तक के हमारी होगी। जो भी फैसले करते हैं अल्लाह ताला सही करते, सही वक्त पर करते और ये पूरा ऐसा सिचुएशन बन के आई और अल्लाह ताला ने एक ही दिन में टिकट भी डिक्लेयर कर दिया प्रवेश होने के साथ, हम जीत के आएंगे। ऐसा 2019 में दल क्या वो रिपीट होंगे आपकी तरफ से? अल्लाह चाहे तो वही होगा, सर अल्लाह के फजलो करम से 101 तक के जीत हमारी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। रेस में किसको देखते आप साहब? देखिए, रेस में अभी तक तो हमारे सामने चंद्रकांत खैरे है कि हमारी लड़ाई चंद्रकांत खैरे से है और अल्लाह के फजल करम साहब को खाने चीत मेरा अल्लाह करा के रहेगा। अल्लाह के भरोसे मैं कोई भी पंडुक लड़ता हूँ और अल्लाह के भरोसे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और अल्लाह ने मुझे काबिल समझा है कि मैं खासदार की इलेक्शन लड़ू। अल्लाह चाहता है, चाह तो मैं अल्लाह के फजल करम से जीत के आऊंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें उम्मीदवार के आगे उनकी जात भी लिखी है और सबसे अलग अलग जाति लोगों को उन्होंने उम्मीदवार भी दी है, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी को सिर्फ दलितों की पार्टी। प्रकाश अम्बेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, वो सब समाज को साथ में लेके चलते। मराठा समाज को आरक्षण मिलना, आपने देखा होगा मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज के लिए बात किया हुआ है, मुस्लिम समाज के लिए हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, हुजूर के शान में गुस्ताखी जो भी अगर इसके बात करेगा तो सरकार से उन्होंने गवार लगाई कि कड़क कानून इसके अंदर बनाना, तुमने कोई गुस्ताखी ना करे। ऐसा अम्बेडकर साहब सब समाज को साथ, एक में नेता ऐसा है और हर समाज को साथ में लेके चलता है, ऐसा मैं कहता हूँ। एमएम से क्या एमएम रेस में आए नहीं आपके? अभी तो मैं किसी पे टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है, अल्लाह ने बड़ी खुशी दी शरिया ने औरंगाबाद को, जिले को। वो टीका टिप्पणी का टाइम जब आएगा मैं तब बोलूंगा, लेकिन आज मैं किसी पे टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये भी बहुत खुश हूँ और शहरा ने औरंगाबाद भी बहुत खुश है क्योंकि उम्मीदवारी अफसर खान को मिली, इसलिए मैं आज किसी के बारे में नहीं, रेस में है या नहीं। देखो, मैं आज किसी के बारे में बोलता ही नहीं, बोलूंगा ना आपको इसका भी जवाब दूंगा, स्टेज से दूंगा, आपके माध्यम से दूंगा, क्योंकि आज मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आज का दिन मेरे लिए खुशी का है, मेरे परिवार के लिए खुशी का है, मेरी कौम और मिल्लत के लिए खुशी का है, मेरी माँ बहनों के लिए खुशी का है, तो मैं आज खुशी में एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके आपके सवाल का जवाब अगले उसमें मैं दूंगा और बहुत अच्छी तरह से दूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ।